फ्रेंड देखिए, हमारा 2 टन का स्प्लिट एसी है। इसका जो है कि आउटडोर मोटर जो है ख़राब हो गया था, तो हम लोग रिपेयर करवा के लेके आ गए हैं और लगाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी है ना, मोटर लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो लोग हम लोग साइट पे जो कि डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत बार आप देखे रहेंगे कि लोग पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ के सीखते हैं। भाई मेरे वीडियो में आप डायरेक्ट देखेंगे कैसे काम करने का है, जो कि डायरेक्ट साइट पर काम देखना और एक किताब में पढ़ना बहुत अंतर होता है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को ना सामने से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे हम लोग साइट पर काम करते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है हमारे वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और आप दिल करे तो आप लाइक कर दीजिए, और देखिए दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अगर किसी का भला करेंगे तो आप लोगों का भी भला होगा ही। तो बने रहिए हमारे दोस्तों, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो हमने ऊपर का कवर पैनल खोल दिया, जो कि उसके बाद से देखिए, कभी भी आप कोई भी कवर पैनल खोलना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको ऊपर का ही खोलना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारा जो है कि पुराना मॉडल है, पुराना मशीन है, तो इसमें ऊपर का पहले खोलेंगे तभी दूसरा कवर पैनल खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अभी जो है नए नए मॉडल में ऐसा आ गया है कि आप साइड का कवर जो है कि खोल सकते हैं बिना ऊपर का पैनल खोले ही, लेकिन ये हमारा वांसा कंपनी का 2 टन का मिनी स्प्लिट है। इसमें पहले ऊपर का कवर खोलते हैं, उसके बाद से हम नीचे का कवर खोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमने ये अपना पैनल, सामने का पैनल भी खोल लिया, और उसके पास से सबसे पहले हम जो कि ये देखिए मोटर जिसमें फिक्स करते हैं, मोटर का हैंगिंग रॉड या समझिए हैंगिंग पत्रा जो भी है, उसको अब खोल लेंगे हम लोग दोस्तों, उसको से खोल के निकालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, जब भी आप मोटर वगैरह ले निकालते हैं शुरू शुरू में ही, और लेके जाते हैं जब उस रिपेयर करने के लिए लेके जाते हैं या बनवाने के लिए, तो उसको क्या करिए, आप जो भी स्क्रू है, नट बोल्ट है या लॉकिंग वाशर है या वाशर है, उसको अच्छे से आप मशीन के अंदर रख दीजिए, ऐसे जगह पे कि बारिश तूफान या कुछ भी हवा चले तो वो उड़े ना या खोए ना, नहीं तो क्या होता है कभी कभी खो जाता है ना, तो उसका जो है नट जो है ना, जिससे हम लोग मोटर को फैन ब्लेड को टाइट करते हैं या मोटर को टाइट करते हैं, वो मिलता नहीं है जल्दी मार्केट में, तो इसलिए उसको अच्छे से संभाल के रखिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब किधर भी फेंक के चले गए, ऐसा करेंगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस बात से आप हमेशा बचें दोस्तों। उसके बाद से जो भी है वायरिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें कौन सा वायर किधर था, नहीं तो वो अगर ऐसे पुराना मोटर खोल के लेके जा रहे हैं ना, तो उसका वायरिंग वगैरह का फ़ोटो खींच लीजिए। अगर फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हैं आप, तो याद कर लीजिए भाई कैसे था, या बना लीजिए पेपर पे कलम पेपर लेकर के ड्राइंग बना लीजिए कैसे से था, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जैसे कि इसका वायर बहुत पतला पतला रहता है आउटडोर मोटर का, जल्दी कितना भी आप मीटर में चेक करते हैं ना, जल्दी पूरा करेक्ट नहीं बता पाता है मीटर भी, वो तो बहुत, अगर आप प्रो लेवल के टेक्नीशियन हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर नए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद से देखिए दोस्तों, आप टाइट कर लीजिए अच्छे से देख करके, जो भी स्क्रू है कौन सा नया स्क्रू लगेगा उस स्क्रू को ही टाइट कीजिए, जो भी स्क्रू है कोई भी स्क्रू उठा के टाइट मत करिए, नहीं तो लूज के बाद में गिर जाएगा, तो अच्छे से टाइट कर लीजिए, क्योंकि मोटर जब चलता है तो इसमें वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन हो के वो नट खुल के गिर सकता है, इसलिए आप अच्छे से आप टाइट कर लें दोस्तों। तो देखिए, हमने अभी मोटर को, तो जो भी ये मोटर का बेस जो है उसको हमने टाइट कर लिया है, अब फैन ब्लेड लगाते हैं दोस्तों। और फैन ब्लेड को लगाते समय ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, उसका एक खांचा है, मतलब कि स्लॉट है, उस स्लॉट में डालने के बाद उसको अच्छे से अगर नहीं बैठेगा ना, तो आप नट को टाइट नहीं कर सकते, इसलिए उसको देख के बिठाइए अंदर, उसमें जिधर सांचा कटा हुआ रहता है थोड़ा सा, उसको और फैन ब्लेड को मिला के बिठाइए दोस्तों। उसके बाद से मिलाने के बाद से उसका जो है वाशर जरूर अच्छे से फिक्स करिए। वाशर फिक्स करने के बाद से देखिए, हम वाशर फिक्स कर रहे हैं, वाशर फिक्स हो गया हमारा। उसके बाद से आप जो है नट को नट को टाइट कीजिए दोस्तों। हाँ, नट को एक बार अच्छे से टाइट कर दिए तो फिर आपका काम ख़त्म हो जाएगा।
मोटर का आपको जो भी देखिए हम टाइट कर रहे हैं ना, तो अच्छे से टाइट कर रहे हैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, तो प्लास्टिक का है टूट टूट जाएगा भाई। हाँ, पुराना मशीन रहता है, कोई कोई बहुत पुराना मशीन रहता है, फैन ब्लेड भी पुराना रहता है उसमें, मतलब पुराना होकर उसका दम ख़त्म हो गया रहता है, पावर नहीं रहता है उसमें ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा टाइट लगेंगे नहीं करने, ताकि फैन ब्लेड प्लास्टिक का दमे कितना रहता है टूट जाएगा, तो उसको हिसाब से ही टाइट कीजिए अपने हिसाब से। हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं कि मतलब बाद में खुल ही जाए, ऐसा भी नहीं करना है। और लॉकिंग वाशर ज़रूर लगाइए आप जब भी फैन ब्लेड को टाइट कर रहे हैं, तो लॉकिंग वाशर एक रहता है वो भी साथ में ज़रूर लगाइए, नहीं तो ज़्यादा खुलने का चांस रहता है। उसके बाद से अभी WD-40 वगैरह मार देते हैं, बाद में कभी अगर खोलना रहे हमको तो बाद में मोटर ख़राब हो गया तो बाद में आसानी से खुल जाए, नहीं तो लॉकिंग एक बार लॉक करके लगा देंगे ना, तो बाद में अगर कभी महीना दो महीना कभी चार महीना साल भर पे बिगड़ेगा तो फिर कभी खुलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा WD-40 भी मार दिया, ताकि क्या होता है ना वो WD-40 रहेगा तो आराम से कभी भी फ्यूचर में चाहें तो आसानी से खुल सकता है, चाहे फैन ब्लेड ख़राब हो गया चाहे मोटर ख़राब हो गया, तो उसमें बदली हम कर सकते हैं आसानी से। अभी देखिए दोस्तों, अभी फैन ब्लेड को तो हमने लगा लिया, बेस भी लगा दिया, तो अब क्या करते हैं हम लोग अपना पहले सबसे पहले पत्रा जो है साइड का, फैन ब्लेड के साइड का जो है कि हम लोग पत्रा लगाते हैं, पैनल जो भी इसको पैनल बोलेंगे कवर बोलेंगे तो वो कवर लगा देते हैं। उसके बाद से जो है कि देखते हैं दोस्तों कौन सा कवर लगाना है, अब क्यों कवर तो केवल ऊपर का बचा है, तो वायरिंग वगैरह करके और कवर हम लगाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ अभी। और दोस्तों बहुत से हमारे दोस्त लोग पूछते कि मिनी स्प्लिट में आपको सैलरी कितना मिलेगा गल्फ़ में, तो गल्फ़ में दोस्तों मिनी स्प्लिट में सैलरी वही 120 प्लस 20 मिलता है। अगर आप थोड़ा और देखो दोस्तों कि बहुत हमारे दोस्त पूछते कि भाई गल्फ़ में एसी के काम में कैसे आएँ, तो देखो दोस्तों आप जब 10 पढ़ रहे हो ना, तो 10 का पढ़ाई करते ही या तो पढ़ाई करते ही ITI वगैरह कर ली, डिप्लोमा वगैरह करते रहिए, आपके जो सिटी में नज़दीक में डिप्लोमा है ना वहाँ पे वो भी आप करते रहिए, नहीं तो अगर 10 पढ़ने के बाद 12 करना है तो 12 कर लीजिए और फिर ITI कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। 12 किसी भी चीज़ से पढ़ के फिर ITI कर लीजिए, नहीं तो अगर ITI आप नहीं करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कर लीजिए। जैसे ITI काम ITI में ना पैसा भी बहुत लगता है और टाइम भी आपका 3 साल जाता है, इसलिए डिप्लोमा जो है ना कम पैसा और जल्दी हो जाता है, लेकिन डिप्लोमा का थोड़ा डिमांड भी कम रहता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, गल्फ में डिप्लोमा चलता है, तो आप लोग डिप्लोमा बिंदास कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। बहुत ज़्यादा अभी हर सिटी में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम तो मैं नहीं बोल सकता अभी क्योंकि प्रचार करना हो जाएगा कि भाई अपने प्रचार कर रहे हैं, तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपके सिटी में है इंस्टीट्यूट वहाँ से जाके AC का आप काम सीख सकते हैं, 10वीं पास करके जाएंगे सीखने के लिए तो बेहतर रहेगा। और हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो BA भी करते रहिए, मुश्किल नहीं है, 12 पढ़िए BA भी करते रहिए, ITI भी करते रहिए या डिप्लोमा भी करते रहिए। कितने लोग सोचते कि यार हम अब क्या करेंगे कि डिप्लोमा या ITI करेंगे, ये आपका सामर्थ्य है, उसके हिसाब से आप डिप्लोमा ITI कर सकते हैं। और मेरा काम देखिए दोस्तों ख़त्म हो गया और मशीन चालू करते हैं।